हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में स्वागत करता हूं। साथियों, बीपीएससी के द्वारा 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है और साथ में ही उसमें नए पैटर्न की भी आहट है, यानी अब जो पेपर होगा वह नए पैटर्न पर होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी पीटी का पैटर्न क्या है और अभी हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी मेन्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं या क्या क्या चेंजेज होने की संभावनाएं हैं। देखिएगा कि बीपीएससी ने 68वीं का जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उसमें जो मेंस होगा वो मेंस 900 नंबर का होगा और उस मेंस में जो होंगे उसमें लगभग चार प्रकार के पेपर हमसे लिखवाए जाएंगे या चार प्रकार से हमको चार दिन हमको पेपर देना होगा, चार दिन कहले या फिर चार समय अंतराल कहले। जो पहला पेपर होगा वह हिंदी का होगा, उसमें क्या होता है कि 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो अंक होगा इसका अंक आपको मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि यह क्या होगा केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी 100 में आपको लगभग 34-35 नंबर लाना होगा फिर आप क्या हो जाएंगे इस हिंदी पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप हिंदी को डिसक्वालीफाई करते हैं, हिंदी को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके आगे की किसी भी कॉपी की जाँच नहीं की जाएगी और आपको मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण मान लिया जाएगा। अब क्या है कि उसके बाद हमसे बीपीएससी हमसे जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का पेपर लेगा और यह सामान्य अध्ययन का पेपर दो लेगा हमसे, एक होगा जीएस पेपर वन और दूसरा होगा हमारा जीएस पेपर टू। और जीएस पेपर वन जो होंगे वह 300 नंबर का होगा और जीएस पेपर टू जो होंगे वह 300 नंबर का होगा। जीएस पेपर वन के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके भी आगे तीन सेक्शन होंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन तीन। आप यहां देखेंगे कि सेक्शन वन में जो हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जितने भी फ्रीडम मूवमेंट है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पहले सिलेबस था ना बीपीएससी का 68वीं से पहले 68वीं तक वही सिलेबस यहां पे लागू है। इसके सिलेबस हमने यूट्यूब पे पहले भी डाला हुआ, वहां से जाके इसको विस्तार में देख सकते हैं। सेकेंड सेक्शन में क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन और करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर क्या है कि आपको तीन प्रश्नों का जवाब देना होगा, यहां पर भी आपको तीन प्रश्नों का जवाब देना होगा। और सेक्शन तीन जो होगा वह डीआई के पूछे जाएंगे और डीआई में आपके दो प्रश्न के जवाब देने होंगे। इस प्रकार से पेपर वन में टोटल आपको 8 प्रश्नों का जवाब देना होगा और यह 8 प्रश्न जो होंगे उसमें आपको 300 नंबर के लिए होंगे। सेकंड पेपर में देखेंगे यह भी 300 नंबर का होगा और इसके भी हमारे पास तीन सेक्शन होते हैं। इस तीन सेक्शन में जो सेक्शन वन होगा, सेक्शन टू होगा और सेक्शन हमारा थ्री होगा। सेक्शन वन में देखेंगे तो जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार है यानी पॉलिटी का फॉर्म एक्सपेंडेड रूप है उसमें उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे सेक्शन टू में इकोनॉमी और प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका टॉपिक ही है। यह जो सेक्शन होता है इस सेक्शन में बिहार स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या तीन होगी, इकोनॉमी ज्योग्राफी और बिहार से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें प्रश्नों की संख्या तीन होगी और साइंस टेक में प्रश्नों की संख्या दो होगी जिनका आपको जवाब देना होगा। प्रश्न तो रहेंगे, एक दो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चे उसको छोड़ सके, लेकिन आपको यहां भी क्या होगा 8 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वह भी क्या होगा 300 नंबर का होगा। अब क्या है, अभी जो बीपीएससी पीटी आपसे जो ऑप्शनल पेपर का डिमांड कर रहा है तो देखेंगे कि बीपीएससी के मैनुअल में टोटल 34 विषय यानी बीपीएससी में 34 ऐसे विषय हैं, उन 34 विषयों में से अभ्यर्थी कोई एक विषय वैकल्पिक रूप के रूप में अपना चयन कर सकता है। 68वीं बीपीएससी तक बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल में दो पेपर लेना होता था लेकिन 60 से 62 के बाद में ऑप्शनल पेपर को एक ही कर दिया, तब से यह परंपरा आ रही है कि एक ही पेपर आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा। तो बीपीएससी ने 34 सब्जेक्ट को निर्धारित किया, उसी में से कोई हम पेपर को लेना होगा और इसी एक पेपर को हमको जवाब देना होगा। अभी तक क्या होता था कि अभी तक इस एक पेपर को यानी जो भी मेरा ऑप्शनल पेपर होगा वह ऑप्शनल पेपर भी 300 नंबर का होगा, है ना। तो अभी जो ऑप्शनल पेपर हमारे पास में है वर्तमान में जो पैटर्न है उस ऑप्शनल पेपर में क्या होगा कि आपको 6 प्रश्नों के जवाब देने होंगे और यह 6 प्रश्न होगा आपके 300 नंबरों के लिए। अभी तक का यही पैटर्न है, अभी यानी 68वीं बीपीएससी तक मेंस का यही पैटर्न है, परंतु जब 68वीं बीपीएससी का पीटी आप क्वालिफाई करेंगे उसमें यहां पर खेला होने का चांसेस है। देखिए क्या खेला होगा, बच्चे इसी में परेशान है कि हम ऑप्शनल पेपर को पढ़े या ना पढ़े। हमने यह स्टार मार्क लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस ऑप्शनल पेपर को बीपीएससी समाप्त कर रहा है कि क्या कर रहा है। हम लोग अब उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास विश्लेषण की वही एक बातें हो जाती है। यहां ध्यान दे, हिंदी रहेगा, हिंदी में कुछ नहीं छेड़छाड़ हो रहा है, पेपर वन रह रहा है, पेपर टू भी रह रहा है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया जा रहा है। चेंजेज अगर होंगे तो हमारे ऑप्शनल पेपर में होंगे और किस प्रकार के चेंजेज होंगे इस चेंजेज को अभी हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं मित्रों कि क्या 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर हटेगा। एक हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है यह समझाना या यह बताना बच्चों को, उम्मीदवारों को,
कि क्या ऑप्शनल पेपर रिसर्च भी बीपीएससी में हट रहा है या नहीं हट रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो बिहार के बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे जो बच्चे समझ रहे हैं उनके मन में भी बहुत ज्यादा इच्छा है, लालसा है कि उस चीज को समझा जाए कि वास्तव में रिसर्च भी बीपीएससी में कि ऑप्शनल पेपर में किस प्रकार का खेला होने वाला है, क्या किस प्रकार का इसमें पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं या होंगे। साथियों अब हम देख रहे हैं कि क्या रिसर्च भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर हटेगा। आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा अभी जो वैकेंसी आई है अड़सठ बी की, उसमें टोटल 34 विषय को सूचीबद्ध किया गया है, जिन 34 विषयों में से आप कोई एक विषय को ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हैं, और अपनी जो भाषा होगी आपकी इंग्लिश में उस भाषा में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम अड़सठ बी बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करेंगे तो आपसे मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया जाता है कि आप कौन सा विषय मेंस में लेंगे, वो हर 2-3 साल से चेंजेस करवा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आप मेंस का फॉर्म भरे तब आपको ये चेंजेस जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, जो हम डिस्कस भी करेंगे, ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बीपीएससी ने अभी इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि यह चेंजेस आपको मिले अगले सठवीं में, सॉरी सठवीं में। यदि सठवीं में नहीं होता तो 69th बीपीएससी में 110% मान करके चले कि ये तीन व्यवस्था जो होगी वो हमारे बीपीएससी के पाठ्यक्रम में जुड़ेगा और इसी पैटर्न पर पेपर होगा। हालांकि बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि अड़सठवीं का मेंस इसी पैटर्न पर हो। देखो क्या है, बीपीएससी चाहता है कि हम एक एसए का पेपर जोड़े, हमें क्या जोड़े, निबंध का पेपर जोड़े। यह निबंध कैसा है, आप देखेंगे कि यूपीएससी मेंस में भी क्या होता है, हमको निबंध का पेपर लिखना होता है, तो आपसे यह निबंध लिखवाएगा, है ना, कि हम अब देखो निबंध क्या गाय पे नहीं लिखने लिखवाएगा, बैल पे तो लिखवाएगा नहीं। निबंध का मतलब होता है कि आपकी अभिव्यक्ति को लेखने के माध्यम से पेपर पर उकेरना, यानी जिस बच्चे का निबंध जितना बढ़िया होता है उसका व्यक्तित्व तो अंदर से उतना ही बेहतर होता है। अब देखते हैं कि जो साहित्य के बच्चे होते हैं जिनकी गहरी पकड़ होती है साहित्य पर, उनके बोलने की शैली कैसी होती है, मिठास होता है, वो चीजों को गहराई से समझते हैं। तो इससे पेपर लाने का बीपीएससी का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीपीएससी चाहता है कि हम वैसे कैंडिडेट को चुने, हम वैसे कैंडिडेट को चुने जिनके पास में खुद का विश्लेषण क्षमता हो, जिनके पास में अपने अंदर और सरकार की बातों को, नीतियों को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, जिनके पास में समाज के दबे कुचले गरीब निम्न वर्ग जिनके लिए भी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, किसको योजना का लाभ त्वरित रूप से देना है, किसको योजना का लाभ थोड़ा ठहर के देना है, वो अपना विश्लेषण खुद करे, वो बार बार सीनियर को नहीं तंग करे, बल्कि अपना अभिव्यक्ति के माध्यम से सरकार का मदद करे, काम करे प्रशासन चलाने में। और निबंध से क्या हो कि निबंध जब आप लिखते हैं ना, तो देखो कि एक कहावत है हमारे साहित्य भाषा में या फिर लिटरेचर में या फिर यूं कहें कि आम भाषा में, कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा है आप उसे लिखवा लो, आप उससे बोलो कि 2 पेज मुझे लिख करके दो, तो उनकी लेखनी से झलक जाएगा कि वह व्यक्ति अंदर से दुखी है, अंदर से सुखी है, या अंदर से किस प्रकार का, झलक जाता है। तो निबंध के माध्यम से बीपीएससी अब वैसे कैंडिडेट को ले गया, आपकी अभिव्यक्ति का चयन करेगी, देखेगी कि आपके अंदर क्या है, यदि आपने क्वालिटी है तो आपको लेगा, ना अदरवाइज आपको क्या करेगा, बोलेगा हम तुमको लेंगे ही नहीं। अब क्या है कि जो एसए होगा, यह एसए क्वालिफाइंग है या इनका नंबर जुड़ेगा, इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे जब बीपीएससी का स्पष्ट लेटर आ जाएगा तब। लेकिन हाँ, एसए का पेपर वह जुड़ेगा, हो सकता है सठवीं में ही जुड़े। दूसरा क्या है कि जो सबसे ज्यादा अभी बच्चों को खल रहा है या उनको टेंशन हो रहा है कि जो ऑप्शनल पेपर हमारा है वह ऑप्शनल पेपर हमारा रहेगा या जाएगा। तो देखो साथियों कि बीपीएससी को हमने कहा कि 34 विषय का ऑप्शनल पेपर लेना होता है, इसमें कुछ ऐसे पेपर होते हैं ना जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके जो बच्चे ऑप्शनल तैयार करते हैं ना, तो इनका रैंक बहुत हाई आता है, 1-2 में ही रैंक में रहते हैं। कारण क्या है कि वो 300 में 290 नंबर लाते हैं मैथमेटिक्स वाले, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जैसे भूगोल के होंगे, एलएसडब्ल्यू वाले होंगे, हिस्ट्री के होंगे, उनको 200 नंबर आता ही नहीं है। अब बात हो रही भूगोल में तो आ भी जाए, लेकिन बाकी जो अन्य विषय हैं उनमें सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, अन्य विषय जो आर्ट्स के होते हैं उसमें 200 नंबर तो लाना ही मुश्किल है। तो जरा सोचो कि कहां आप आर्ट्स पेपर में 200 नंबर ला रहे हैं और कहां मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स बच्चे 290 नंबर ला रहे हैं, हम तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं, यानी उनकी रैंक बहुत अधिक आ जाएगी और जिसमें वो लोग कम नंबर लाते हैं। तो बीपीएससी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं कि सर मैथ खत्म कर दिया जाए, फीस खत्म कर दिया जाए, तो बीपीएससी तो भाई बहुत आगे की चीज है ना, वो इस झंझटे को खत्म कर रहा है, वो बोला कि ऑप्शनल पेपर हम रखेंगे ही नहीं। अब बोलता है क्या कि ऑप्शनल पेपर की जगह हम क्या रखेंगे, पेपर तो ऑप्शनल ही रहेगा लेकिन हम तुमसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे, यानी अब तुमसे लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लिखवाने में होता है क्या कि बहुत कॉपी चेक करो, उनको पैसा दो, बहुत लंबा वक्त लगता है रिजल्ट प्रकाशित करने में, तो इसके लिए बीपीएससी का कैलेंडर भी डिले हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, मशीन में कॉपी डालेगा, चेक होकर आपका आ जाएगा कितना सही है कितना गलत है। तो बीपीएससी क्या कर रहा है कि ऑप्शनल पेपर तो रहेगा, क्योंकि भाई आप कहे तो विशेषज्ञता होगी ना किसी विषय में, ऑप्शनल पेपर रहेगा लेकिन वह कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे यूपीएससी 2005-06 का जब मेंस होता था उस समय में जो ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे वह क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव नेचर ही हुआ करता था,
है ना, आपको कोई क्वेश्चन रहेगा और उसको वैकल्पिक रूप से उसको चूज करना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब क्या है कि इसमें बताया है बीपीएससी कि यह पेपर तो रहेगा लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा आपको। जैसे हिंदी होता है ना, हिंदी हम लोग पढ़ते हैं जीएस पेपर, जीएस में बीपीएससी मेंस में हिंदी के क्वालिफाई करना होता है, नंबर तो नहीं जुड़ता है। उसी प्रकार से ऑप्शनल पेपर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शनल पेपर हमारा क्वालिफाई नेचर का होगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करेंगे तो ही आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो पाएंगे या उत्तीर्ण होंगे, या उनको अदरवाइज अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 68वीं बीपीएससी के मेंस में आपको स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। इसको समझो कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि मान लो कि कोई कविता नाम की लड़की है और कोई महेश नाम का लड़का है, कविता का मैथमेटिक्स है, उसने क्या किया मैथ में 200 नंबर ला दिया, 290 नंबर ला दिया मैथ में, और जो महेश नाम का लड़का है उसका भूगोल है वह 150-160 पे ही रह गया। तो कहाँ 190 नंबर, कहाँ 150, 140 का अंतर है, यानी यह लड़की तो ऐसे ही टॉप कर जाएगी, इंटरव्यू में बस बैठेगी, शक्ल दिखाएगी, वो पास हो जाएगी ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। तो अब क्या कि जो सब्जेक्ट का अंतर है, यानी किसी एक विषय का बच्चा वहां ना जाए, इसी को नॉर्मलाइज करेगा, यानी इस नंबर को डाउन करके इसको थोड़ा बढ़ाएगा, या दोनों नंबर को क्या करेगा बैलेंस करेगा 5-10 नंबर के बीच में। अब क्या है कि ये तो हमारी समझ है, मैक्सिमम यही चीज ही होता है स्केलिंग का, मतलब कहते हैं कि जो ज्यादा नंबर ला रहा है उसको क्या करना, थोड़ा डाउन करना है, कटिंग छटिंग करके हमको बैलेंस नंबर ला रहा है। यानी अब मैथ वाले बच्चे भी 180 नंबर ही, 90 नंबर तक ही ला पाएंगे, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी उसी संदर्भ में नंबर ला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि यह स्केलिंग सिस्टम और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा इसके संदर्भ में, कैसे काम करेगा इसके संदर्भ में अभी बीपीएससी ने किसी प्रकार का स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है, बल्कि उसने यह बता दिया है कि हम यह सिस्टम लागू करेंगे। अब देखो समझो चीज को थोड़ा सा कंसाइज कर देते हैं कि ऑप्शनल पेपर और 68वीं बीपीएससी में आपको रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर रहे। अब जरा सोचो कि अगर हमको ऑप्शनल पेपर पढ़ना है, अभी तक क्या होता था कि बच्चे ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते थे, अब क्या कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या फिर भी हमको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा? एक एक क्वेश्चन आता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका बड़ा सुंदर सा जवाब है कि यदि आप में इतनी क्षमता है कि आप ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव रूप में आप कब पढ़ेंगे, जब उस ऑप्शनल पेपर को एनालिटिकल रूप से पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि भूगोल एक विषय है तो भूगोल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी होता है, ओशनोग्राफी होता है, उसके बाद ये ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, थिंकर होता है, बिहार ज्योग्राफी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉयल होता है, वेजिटेशन होता है, एनवायरमेंट होता है। तो इतने टॉपिक को यदि हम पढ़ेंगे, अभी तक इस पढ़ेंगे बिल्कुल एनालिटिकल रूप से, तभी तो ना हम सक्षम होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सोचेंगे बिना पढ़े हुए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप किताब पढ़ लें भूगोल का, हमारा अपना तैयार हो जाएगा, तो ऐसे तैयार नहीं होगा, यानी खिलवाड़ होगा आपके करियर के साथ में। और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी नहीं करेंगे ऑप्शनल का, वो इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, जैसे यूपीएससी में 2005-06 में होता था कि यदि आप ऑप्शनल पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपके आगे कॉपी नहीं जा छूते थे, बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बनते थे। तो देखिएगा वो दौर ऐसा था कि हर बच्चे इतिहास लेके यूपीएससी में आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने हैं वो लोग, क्योंकि इतिहास के उन्होंने कोचिंग किया प्रॉपर रूप से या सेल्फ स्टडी करके, उसके पूरे ऑप्शनल सिलेबस को पढ़ा, तब वो जाकर के इतने सक्षम हो गया कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे पाए। कहने का मतलब यह हुआ है कि यदि ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो जाए, आपको उस पेपर की गहराई से समझ होनी बहुत जरूरी है। यदि गहराई से आपकी समझ नहीं होगी तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं दे पाएंगे और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या कि परीक्षा के रिश्ते से ऐसे ही बाहर है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को आप इसको सेंड करें, ताकि जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको इन चेंजेस से जानकारी मिले, उनको समझ में आए कि यह चेंजेस क्या हो रहा था, कि उनके मन में जितनी भी प्रकार की व्यथाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वह चिंता दूर हो जाए, और वह इस चिंता को दूर करके और 68वीं बीपीएससी की पीटी में पढ़ाई करते रहे या शुरू कर दे वो लोग, है ना। और ज्यादा यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे पढ़ाई आपकी नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा, आपकी पढ़ाई कमरे में बंद होकर लाइब्रेरी में आप पढ़ाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, वही आपकी पढ़ाई होगी। तो आप वैसे कंटेंट से बचे, वैसे लोगों से बचे, वैसे चैनल से बचे जो आपको यूट्यूब पे ज्यादा भरमा रहा है कि हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे वैसे, यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती बाबू, ध्यान रखना। पढ़ाई जब भी होगा, पढ़ाई का मतलब होता है एकांतवास, शांत वातावरण में आपकी पढ़ाई हो। हाँ, मेंटर की जरूरत होती है, यदि आपको कोई अच्छा सा मेंटरशिप प्रदान करता है, कोई गाइड करता है, तो आप उसको उसकी मदद लेके पढ़ाई करें। लेकिन गलती से भी और 68वीं बीपीएससी के लिए आप यूट्यूब पे महासंग्राम, महाघोटाला, जो भी प्रोग्राम बनते हैं ना पीटी मेंस के लिए, उस पर आप रिलाई ना करें, अदरवाइज आप ठगे जाएंगे पैसे से भी और समय से भी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहें आप लोग, आबाद रहें और देश की तरक्की में योगदान दें, बहुत बहुत धन्यवाद।